नमस्कार दोस्तों, हमारे इस इंग्लिश चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। आज का हमारा वही विषय है, एक्शन या इनएक्शन, और उससे जुड़े विभिन्न शब्दों को हम देखेंगे। आइए बिना लाग लपेट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला शब्द है आज का ऑब्विएट, OBVIATE। ऑब्विएट का मतलब हो जाता है टालना। जब हम कोई सा भी काम करते हों, कहीं से भी कोई बात आगे आ जाती है और उसको जब हम कोशिश करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, वो चला जाए और हमें किसी भी प्रकार से उसका लॉस ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम ऑब्विएट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से दैट यू हैव स्टडीड हार्ड इन योर फॉर योर एग्जाम्स, तो अगर आपने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करी है तो ये, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर ऑब्विएटिंग द चांस ऑफ फेलियर। तो आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं कि आपने उस चांस को खत्म कर दिया। अपने पढ़ाई की वजह से, अपने पढ़ाई के दम पर आपने फेल होने के डर को खत्म कर दिया, फेल होने के चांस को खत्म कर दिया। सपोज यू आर अर्निंग, यू आर इन जॉब एंड यू आर अर्निंग सम मनी, आपको रेगुलर मंथली इनकम आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, आप ऑब्विएट कर रही हैं इस चांस को कि अगले महीने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो यू गेट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, या हो सकता है बैंक में आपने FD कर रखा हो या कुछ उस तरह का आपका फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे केस में यू आर ऑब्विएटिंग द चांस ऑफ लैक ऑफ मनी विच यू मे बी रिक्वायरिंग इन नियर फ्यूचर। तो ऑब्विएट का मतलब हो जाता है कि हम उसको, उस तरह की स्थिति को टाल देते हैं, उस तरह की स्थिति को खत्म कर देते हैं। आइए इसी श्रृंखला में हम दूसरा शब्द देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं। अगला चीज है मिलिटेट, MILITATE, मिलिटेट। अब इसके साथ जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं वो होता है अगेंस्ट, तो मिलिटेट वर्ड जब भी हम यूज करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट ही आता है। तो मिलिटेट होता क्या है कि, अब ये थोड़ा सा कुछ साइकोलॉजिकल बातें हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यूरोटिक हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं, अपने प्रकार के हो जाते हैं, देखने में तो कम मिलते हैं लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से अपने आसपास देखेंगे तो कोई न कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाएगा जो, मतलब, करता तो चाहता है कि वो पॉजिटिव करे लेकिन उससे नेगेटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंदर के उसके अंतर मन में कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतना गहरा कर गया, या शायद कोई सदमा ऐसा पड़ा हो, या कोई वैसी स्थिति आई हो जिसकी वजह से वो अब पॉजिटिव कर नहीं पाता है। सोचता है या सोचती है कि चलो मैं ये करूंगी या वो करूंगा, लेकिन जब वो करने के लिए जाता है तो बहुत बार तो बिल्कुल 180 डिग्री, बिल्कुल रिवर्स करता है। मान लीजिए कि आपने कहा कि ठीक है, आप जो है, जो सामने वाली जो सड़क जा रही है उसे दाएं मुड़ जाना, वो आपके सामने बोलेगा भी कि हाँ ठीक है मैं दाएं मुड़ जाऊंगा, वहां जाके वो बाएं मुड़ जाता है। आपने कहा कि ताजी वाली सब्जी खरीद करके लाना, वो देख लेना कि वो ताजी हो तभी लेना, नहीं तो नहीं लेना, एंड द पर्सन विल गो देयर एंड बाय ऑलमोस्ट द वर्स्ट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब इसको आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग तो सनकी ही होते हैं, ऐसे लोग तो थोड़े से कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपके खिसके हुए होते हैं, कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी इनके ऊपर दया भाव भी आता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दे मिलिटेट अगेंस्ट द सिचुएशन, दे मिलिटेट अगेंस्ट द एक्शन। कोई भी काम करेंगे तो वो उसको बर्बाद करके ही रखते हैं, उसको खराब करके रखते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय करना इस तरह का, बिगाड़ देना इस तरह का, उसको अंग्रेजी में मिलिटेट कहते हैं। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर से देखेंगे। अगला वर्ड जो हमने इस सिलसिले में लिया है मलाइन, MALIGN। मलाइन कहते हैं कि जब हम किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में बुरी बातें बोलना शुरू करते हैं, वैसा शायद वो ना हो लेकिन हम उसको बदनाम करते हैं। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी नॉट बी वेरी स्पेसिफिक,
हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की हो जो थोड़ी आउटगोइंग हो, थोड़ी ओपन माइंडेड भी हो, वो इधर जाती हो उधर जाती हो, किसी से बातें भी कर लेती हो, तो जो कुछ कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं ना उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू करते हैं। आपने देखा भी होगा, अरे यार ये बेकार सी लड़की है, उसको देखो तो किसी के पास भी चली जाती है, किसी के साथ भी चली जाती है ना। तो ये एक्सक्यूज मी जो टोन है, जो लैंग्वेज है, जो उसका ना मकसद है, वो किसी को क्या करने का है, मैलाइन करने का है, उसको खराब कर देने का है कि अरे ये तो ऐसे ही है। और चाहे स्टूडेंट हो, कोई लड़का ही हो या लड़की हो, अगर वो खेल रहा हो खेल रही हो तो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ये पता नहीं कहाँ से पास कर जाती है या कर जाता है, ज़रूर उसने चोरी की होगी, ज़रूर उसका कहीं ना कहीं सेटिंग है, कुछ ना कुछ खिला पिला करके ये लोग एग्जाम में अपना पास कर जाते हैं। और यहाँ पे देखो, जब देखो तो दिन भर खेलता रहता है, या जब देखो तो वो अपनी सहेलियों से बातें करती रहती है, पता नहीं कहाँ से कैसे पास कर जाती है। ये कुछ चीजें हैं जो हम मलाइन वर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड जो है कंडोन है, कि कंडोन का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो हम करते हैं और लगता है कि नहीं, कुछ लोगों के लिए उसको विशेष छूट दी जाती है, होना नहीं चाहिए, लीगली इट इज नॉट राइट, मॉरली ऑल्सो इट इज नॉट राइट, लेकिन आपको लगता है कि चलो यार ठीक है, चलो क्या है। जैसे एक कॉमन से एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान के परिवेश में बहुत जगह ऐसा देखा जाता है, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलवेज एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द होम्स, बट मोस्ट ऑफ द होम्स इट हैपेंस। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई लड़का है, उसने थोड़ी सी कहीं छेड़खानी कर ली, थोड़ा डिशू भी कर लिया, या हो सकता है किसी लड़की के साथ थोड़ा उसने गलत व्यवहार भी कर लिया हो, तो क्या होता है ना, हमारा अभी भी बहुत जगह पुरुष प्रधान देश है, उसमें कहते हैं अरे जाने दो, लड़का है थोड़ा सा कर लिया, उसको डांट डपट करके समझा देते हैं, जस्ट टू प्लकेट द मैटर। प्लकेट हमारा अगला वर्ड भी होगा, अभी हम देखेंगे, उस बात को ठंडा करने के लिए, उस बात को रफा दफा करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको उस मैटर को कंडोन करते हैं, यानी कि एक परोक्ष ही करोक्ति है, परोक्ष रूप से मतलब पीछे के रूप से उसको स्वीकार कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ऐसा तो हो ही जाता है, तो हो ही जाता है नहीं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्टली गोइंग अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो मॉरली ऑल्सो इट इज नॉट राइट, बट दे आर अलाउइंग द पर्सन टू डू इट। तो ये अलाउ करना जो है, इसको अंग्रेजी में कंडोन कहते हैं, सही या गलत आप जानिए, मेरा सही या गलत नहीं है, हमारा पर्पस है अंग्रेजी का एक नया शब्द सीखना। हो सकता है आप जानते होंगे, जो जानते होंगे तो इसको यूज कीजिए, अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको छोड़ दीजिए, अगले वर्ड को देखते हैं, हो सकता है वो आपको ना आता हो, आता है तो और भी अच्छी बात है। तो हम लोग नए नए शब्द अलग अलग इसी सीरियल में मैं बहुत सारे शब्द और भी सिखाऊंगा, हम लोग चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि इससे आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभ मिलेगा। तो अगला शब्द इसी कैटेगरी में आता है जिसको कहते हैं प्लकेट, अभी हमने यूज भी किया। तो प्लकेट वर्ड क्या होता है कि हम उसको ना ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कहीं झगड़ा हो गया हो और कोई आकर के उसको समझाने की कोशिश करता है, दोनों ही पार्टीज को समझाता है, तो व्हाट द थर्ड पार्टी इज डूइंग, ट्राइंग टू प्लकेट द सिचुएशन, या हम ही ने गलती कर दी हो किसी के अगेंस्ट में, मतलब किसी की पिटाई कर दी हो, या दोस्त है उससे थोड़ी रंजिश हो गई हो, और हो सकता है कि मैंने अपने बर्थडे पार्टी में उसको ना बुलाया हो, उससे वो नाराज चल रहा हो या फिर चल रही हो, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे अरे यार क्या बताऊँ, मेरे मोबाइल में ये था, या फलानी जगह मुझे अचानक जाना पड़ा और सारा लिस्ट था, देखो ना मेरे पॉकेट में ही रखा हुआ था, और मुझे लगा कि शायद मैंने सबको इनवाइट किया तो तुमको भी जरूर किया होगा, पता नहीं कहाँ से चूक हो गई, तो चलो मैं कान पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, जो भी तुमको सजा देनी हो दे दो। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू प्लकेट द सिचुएशन, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आशा है कि ये जो कुछ शब्द हमने अभी के इसमें देखे, इस वाले भाग में सीखा, ये हमारे काम आएगा। लेट्स रिवाइज। तो पहला वाला शब्द जो हमने देखा था ऑब्विएट, तो ऑब्विएट करने का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज कीजिए जो उसकी शंका को ही खत्म कर दे, है
है ना। जैसे कहते हैं कि आपने तैरना सीख लिया तो डूबने की शंका आपके मन में कम से कम हो जाएगा कि आप नहीं डूबेंगे ना। वंस यू नो द स्विमिंग आर्ट ऑफ स्विमिंग ऑल्सो, सो यू हैव लेस फियर ऑफ ड्रॉनिंग, लेस फियर ऑफ गेटिंग ड्रॉन्ड इन रिवर और रिवर टैंक। तो ये क्या चीज हो जाता है, यू आर ऑब्विएटिंग द सिचुएशन। आपने एग्जाम में बहुत मेहनत करी तो फेल होने का तो चांस ही नहीं था। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर ऑब्विएटिंग द थिंग। अगला वर्ड जो हमने देखा था मिलिटेट, मिलिटेट जो होता है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है, थोड़ा सा न्यूरोटिक होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं। और कभी कभी न्यूरोटिक नहीं भी होता है तो हम ना देखिए 24 घंटे हम लोग हमेशा सेन, एस ए एन ई सेन, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार। तो हर समय हम समझ के साथ काम नहीं करते हैं, कभी कभी हम भी नासमझ हो जाते हैं। कितने भी हम पढ़े लिखे हों, कितने भी मैच्योर्ड हों, कितने भी एज वाले हों, कभी न कभी हमारे अंदर भी वो सो कॉल्ड नासमझी आ जाती है। तो उस समय क्या हो जाता है, हम थोड़े से न कहीं से उस क्षण के लिए ही सही थोड़े से खिसक जाते हैं। ये खिसकने को क्या कहते हैं कि हम उस समय जो डिसीजन लेंगे वो थोड़ा सा हो सकता है गलत हो। तो लेकिन ऐसे जो मिलिटेट वाली बात जो होती है, जहाँ मिलिटेट हम यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा ही खिसके हुए से होते हैं, है ना। तो कभी कभी हम नहीं भी खिसके हुए हैं लेकिन उस समय ताव में आकर के या ज्यादा जोश में आकर के बहुत ही गलत निर्णय ले लेते हैं। वो गलत निर्णय बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में हो, चाहे हम अपने परिवार के बारे में कर रहे हों, फ्रेंड्स के बारे में कर रहे हों, रिलेटिव्स के बारे में कर रहे हों, या किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में भी कर रहे हों, तो ये जो क्या करते हैं हम, उस चीज को बिगाड़ देने की क्रिया को मिलिटेट कहते हैं, है ना। मिलिटेट के साथ जो प्रीपोजिशन जाता है, लेट्स रिवाइज, मिलिटेट के अगेंस्ट हमेशा अगेंस्ट वर्ड, ए जी ए आई एन एस टी, मिलिटेट अगेंस्ट समथिंग और समवन। ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला वर्ड जो हमने लिया था मलाइन, मलाइन का मतलब किसी को बदनाम करना। तो मलाइन हम कैसे करते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम उसको उसके हाव भाव की वजह से, उसकी आदतों की वजह से, या शायद वो आदत ना भी हो, ग्रुप बना करके हल्ला करके उसको बदनाम करने की जब कोशिश की जाती है तो इसको कहते हैं मलाइन। तो हम किसी के रेपुटेशन को खराब करते, किसी के प्रसिद्धि को खराब करने की जब हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसको कहते हैं मलाइन। यू आर मलाइनिंग द नेम एंड फेम ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड। तो आप क्या कर रहे हैं, उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसका ओवरऑल रेपुटेशन कम हो जाए, ओवरऑल रेपुटेशन गिर जाए। अगला वर्ड जो है इस श्रृंखला में वो है कंडोन। कंडोन का मतलब हमने अभी भी देखा था कि चीज सही तो नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियर भी नहीं, बहुत हायर लेवल का क्राइम भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो कायदे से नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने समाज में उसको स्वीकार कर लिया है। जैसे हमने कहा कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़के अगर कुछ थोड़ा सा गलत भी कर लेते हैं, चाहे वो और लड़कियों वाली बात आ जाए या पढ़ाई की भी बात आ जाए, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लड़कियाँ हमारे देश में ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा रिजल्ट अच्छा लाती हैं, दैट इज़ द थिंग ऑफ प्राइड। इस बार भी देखिए 2022 में जो टॉपर IAS लड़कियाँ हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो ये दोनों ही जो है लड़कियाँ ही हैं और IAS के रैंक में टॉप किया है, That is a matter of pride for us. तो ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि still we have got something in our mind कि लड़के जो हैं उनको थोड़ा सा अगर कुछ गलत कर लिए तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, especially उस बात को ले दे करके include कर लेते हैं कि चलो ऐसा तो होता ही है। ये जो होता ही है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, condone। You are accepting something which should not have been accepted in words or as a rule। नियम में भी वो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था, कानून के हिसाब से भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इनको कहते हैं condone, condone। और अब लास्ट वर्ड जो हमारे इस पूरे श्रृंखला का है वो है placate, PLACATE। Placate का मतलब वही
शांत कर देना। अब प्लेकेट द सिचुएशन, कभी आमतौर पर प्लेकेट हम कब करेंगे, जब दो पार्टीज के बीच में झगड़ा है, तीसरा आएगा या आएगी उसको समझा करके खत्म कर देगी। या जैसे घर में भी है, दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी आते हैं और दोनों के बीच में समझौता कराते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली द एल्डर्स आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू प्लेकेट द सिचुएशन, गेटिंग द पॉइंट। तो पहले प्लेकेट करने की बात आती है, कचहरी में भी कोर्ट में भी जाएंगे तो केसेस होती हैं, तो पहले जज भी बोलता है देखो यार बाहर जाकर के अगर सुलझा लेते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये जो है दीवानी केस 100-200 साल 300 साल भी चला जाएगा, रहोगे नहीं रहोगे, चार दिन की जिंदगी है, मिल मिला करके काट लो समय, थोड़ा सा तुम भी सहलो, दूसरी पार्टी को कहेंगे तुम भी थोड़ा सा सहलो। तो व्हाट एग्जैक्टली द मेडिएटर, इसमें जज भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, है ना। तो जब आप दोनों को कहते हैं कि कुछ ना कुछ इस सहलो, कुछ ना कुछ समझ लो, तो इसको कहते हैं कि आप सिचुएशन को प्लेकेट कर रहे हैं, आप सिचुएशन को एक लय में लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा है दोस्तों ये कुछ नए शब्द आपके जीवन में काम आएंगे, और अगर आपको समझ में बातें आ गई हों, आपको लगता हो कि और भी अंग्रेजी के अच्छे अच्छे शब्द सीखने हैं, तो साथ में लगा हुआ सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाइए। और आपको लगे कि इससे संबंधित कोई क्लैरिटी चाहिए या कुछ और भी बातें हों, या आपको लगे कि किसी और चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, यू आर फ्री टू गिव पॉजिटिव कमेंट्स। पॉजिटिव इन द सेंस कि गाली वाली देने से क्या फायदा है, वो आप अपना ही रेपुटेशन खराब करते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारी चीज है, वो दूसरे की नहीं है, है ना। तो प्लीज बी वेरी डिसेंट इन योर रिप्लाईज, अच्छी बातें लिखें, और स्वाभाविक है आपको लगे कि अपने समाज में भी कल्याण करना चाहिए, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों में से, भाई बहनों में से भी, दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचे, इस तरह की वीडियो से फायदा पहुंचे, तो इसको शेयर कीजिए, सिंपल। और मेरा नमस्कार, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, जय हिंद।